My favorite movie is Doom. Doom machale, Doom machale, Doom. Doom machale. What are you doing? I'm making some soup. Soup? Soup, you are making soup? ओ वाह, ये बड़ा बड़ा वाले लोग खड़े हैं भाई यहाँ पे। भाई देखो वो तो एकदम गैंगस्टर लग रहा है। ये यहाँ का सिटी सेंटर है जो किबेरा स्लम है ना यार। We are heading home. ये लोग ऐसे शॉप्स बना के रखते हैं, छोटी छोटी गलियां यहाँ पे। अब आप लोग बताओ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द एंडोर ट्रैकर। और अभी मैं हूँ केन्या की कैपिटल नैरोबी में। और आज मुझे यहाँ पे तीसरा दिन है आज मेरा। कल पहले वैसे ये मैं परसों रात को पहुंचा था, तो आप दूसरा दिन कह सकते हैं। और आज मेरा यहाँ पे जाने का विचार है कुछ। अभी तो मैं मार्केट में हूँ, थोड़ा बहुत खाना पीना खाऊंगा। ये देखो ये मार्केट है यहाँ का कुछ ऐसा। ओ जेम्स बॉन्ड, यू मेट मी अगेन। या यू जेम्स बॉन्ड अगेन, यू माय फ्रेंड मैन। या वी आर फ्रेंड। कल भी मिला था मेरे को और आज भी मिला है। तो अभी मैं आज यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली है ना जो कुछ स्लम्स वगैरह घूमूंगा। पहले तो आप लोग ही देख लो यार, यहाँ का मार्केट कुछ ऐसा है। ये देखो एक कपड़े वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे लोग। तो अभी कोई मेरा फ्रेंड आने वाला है, पहले तो मैं खाना पीना खाता हूँ, फिर उसके बाद कोई मेरा फ्रेंड आएगा और फिर वो मेरे को लेके जाएगा वहाँ पे घुमाने के लिए स्लम्स वगैरह। यहाँ पे देखो सुबह की हलचल कुछ ऐसी है यार, कितना भीड़ भड़ाका इस मार्केट में। हाई, हाउ आर यू? यू आर फाइन? आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? इतनी तंग गली में ना भाई, कपड़े वपड़े उधर उधर रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे ना, छोटे छोटे ऐसे सिटी सेंटर में। बाकी बहुत अच्छे भी मिल जाएंगे, लेकिन सिटी सेंटर में बहुत छोटे छोटे बिल्कुल कंजेस्टेड टाइप के रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को। और अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 12:30, और 12:30 बजे की हलचल कुछ ऐसी है यहाँ पे। एप्पल ग्रीन रेस्टोरेंट है, इसमें चल के थोड़ा बहुत कुछ खाते पीने देखिए, चपाती बीन्स वगैरह मिल जाता है। तो वैसे फोटो तो लगा रखी है, मेरे हिसाब से चपाती बीन्स मिल जाना चाहिए। हेलो, वे चपाती बीन्स? सॉरी, बीन्स एंड चपाती। ओके ओके, थैंक यू। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड। तो भाई साहब ये देखो, ये है बीन्स हो गया, ये चपाती हो गई, ये स्पिनिच हो गया, ये केबेज हो गई। ये है यहाँ का खाना। खाना हो गया ख़त्म। तो इसका टोटल बिल था 290 सेलिंग, 290 सेलिंग इंडियन करेंसी में होते हैं 190 इंडियन रुपीज। तो अब थोड़ा सा बाहर चलता हूँ यार, खाना कुछ और खाऊंगा, मज़ा नहीं आया यहाँ पे खाने में। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे मार्केट में, और मेरे जो फ्रेंड है ओस्कर। हाय ओस्कर, हाउ आर यू? आई एम गुड। यू आर गुड? या आई एम गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू विजिट स्लम। वी आर गोइंग टू किबेरा। किबेरा, राइट? किबेरा, या किबेरा इज लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट। वी हैव वन ऑफ लार्जेस्ट स्लम किबेरा। Then there's And Kibera, I heard that Kibera is dangerous also. Is it right? Sorry? Dangerous slum. Yeah, it's one of the most dangerous. Oh my god. You will take care of me. Yeah, I'll take good care of you. No one will Okay. So अभी मैं ओस्कर भाई के साथ जा रहा हूँ। यहाँ का जो किबेरा स्लम है, दुनिया का सबसे डेंजरस स्लम में से एक है। मैं से एक नहीं, दुनिया का सबसे डेंजरस स्लम है। तो अभी वहाँ की स्टोरी आपको वहीं चल के बताता हूँ, और देखते हैं वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा क्या होने वाला है। और यहाँ से हम बच्चों के लिए, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे मिलते हैं, वो खाने पीने के लिए मांगते रहते हैं। तो ये कोई मार्ट है यहाँ से, यहाँ से मैं बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेता हूँ यार। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जब ऐसी जगह जाते हैं ना, और अपने पास कुछ होता नहीं है, तो फिर उस टाइम काफ़ी गिल्टी फील होता है, काफ़ी बुरा लगता है कि यार काश मैं इन बच्चों के लिए कुछ लेके आता। यहाँ पे देखो पार्ले जी ब्रांड है। पार्ले जी आप लोगों ने बुरुंडी में भी देखा होगा, बुरुंडी में पार्ले जी मिलता है, यहाँ भी पार्ले जी मिलता है। मैं कुछ पार्ले जी लेके जाऊँगा, कुछ जो चॉकलेट लेके जाऊँगा, कुछ ओरियो वगैरह। फिर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलते रहते हैं यार, फिर उनको कुछ देते नहीं है ना, बहुत बुरा लगता है ऐसे टाइम पे। वो पीछे पीछे आते हैं और फिर नहीं, अपने पास कुछ नहीं होता है। तो भाई साहब ऊबर वाला ड्रॉप करके चल दिया है, ऊबर वाले ने हमें बाहर ही ड्रॉप कर दिया है। ये बहुत बड़ा स्लम है वैसे तो, अफ्रीका का लार्जेस्ट स्लम है, अफ्रीका का डेंजरस स्लम भी है। तो हम लोग देखो थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ से। अभी हम लोग मेन हाईवे पे हैं, अभी ये बहुत बड़ा स्लम, अंदर जाएंगे तो अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है स्लम। अब हम लोग चलते हैं स्लम के अंदर। यहाँ पे जो ये कपड़े वगैरह बेच रहे हैं स्लम के बाहर, जहाँ से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मेन हाईवे के बगल से स्लम स्टार्ट होता है। और अंदर चलने के बाद आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट होता है अब स्लम, ये आप लोग स्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो यहाँ पे कोयला वगैरह लोग बेच रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम मेकिंग सम सूप। सूप? यू आर मेकिंग सूप?
Oh wow, nice. What's your name? My name is Josh. Josh? Yeah. Wow, nice name. Yeah. Nice to meet you. Make a soup. This is how you make soup. This is how you make it. It looks like milk now after doing it like this. This is look like milk. And what is this? Those are called like. Oh, this is soup. Yeah. Oh, nice. Yeah. यहाँ पे यार मटन वगैरह पका रहे हैं ये भाई है जो यहाँ पे सूप पका रहे हैं और यहाँ पे देखो सलम में ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे अभी सलम का शुरुआत है. हाय मामबो ओके सी यू. ये देखो यहाँ पे सलम के आदमी भी है ना भाई इंग्लिश बोल लेते हैं यहाँ पे हर कोई बंदा ना यहाँ पे इंग्लिश बोलता हुआ मिल जाएगा आप लोगों को. और मेरी जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ उतनी फटी भी पड़ी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेज होते हैं ना तो पुलिस की भी फटती है यहाँ पे आने से क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं चलता इतना लंबा चौड़ा है. तो मैं देखता हूँ मैं कितना अंदर तक जा पाता हूँ आज इस सलम में. हाउ आर यू व्हाट्स योर नेम व्हाट्स योर नेम हाय माय नेम इज मुस्तफा. मुस्तफा आ नाइस यू आर ईटिंग फूड. ओके दे आर सेलिंग मूवीज. वाओ नाइस भाई यहाँ पे देखो मूवीज वगैरह सीडी वगैरह सेल कर रहे हैं यार. मूवी यार सेलिंग मूवी नाइस. व्हाट्स योर नेम. जोमा. ये भाई जो यहाँ पे मूवी सीडी वगैरह बेच रहा है. पीपल आर वेरी फ्रेंडली हियर. या या पीपल हियर आर फ्रेंडली. I was thinking that it's dangerous, but people are friendly. There's some places that you can't enter. Okay, some places sure. We can't enter. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. ओके यहाँ पे कुछ जगह ही ऐसी है जहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते वो डेंजरस है. वो थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं वहाँ से जा पाते हैं नहीं जा पाते. क्या हुआ कुछ नहीं हुआ. यू नो हिंदी. नहीं 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 ये बोड़ा बोड़ा वाले लोग खड़े हैं भाई यहाँ पे बोड़ा बोड़ा भाई देखो वो तो एकदम गैंगस्टर लग रहा है. ये जो स्लम है ना उसका मार्केट कुछ ऐसा दिखता है भाई. मार्केट देख लो स्लम का. यहाँ पे अभी मेरे गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज हुआ करती थी तो यहाँ पे ना कभी भी कोई ऐसा होता था तो यहाँ पे पुलिस की भी आने से फटती थी. पुलिस के ऊपर भी अटैक कर देते थे ये लोग. हालांकि अब तो थोड़ा बहुत सिचुएशंस है तो मुझे नॉर्मल लग रहा है अब. उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है. ठीक है ठीक ठाक लग रहा है. उतना ज़्यादा मुझे अग्रेसिव नहीं लग रहे हैं जितना पहले सुना था इनके बारे में कि ये पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ करते थे. अब काफ़ी सारे लोग हैं जो उन एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. सब अपना अपना काम धंधा करने लग गए. ये देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे मार्केट वगैरह ये बिज़नेस वगैरह कुछ है जो अपना फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं कुछ शूज वगैरह बेच रहे हैं तो ऐसा अब ये लोग करने लग गए यहाँ पे. सो अब धीरे धीरे हम लोग है जो हुड एरिया ना जो डेंजरस पार्ट है उस पार्ट में एंटर कर रहे हैं. Now we are entering in dangerous part, right? Yeah. We're entering one of the dangerous part. Places. In Kibera. Yeah. Okay. You will protect me if they attack. I'm a whole bodyguard. Don't worry. Oh, you are my bodyguard. Your bodyguard. Oscar बोल रहा है भाई टेंशन मत लो. यदि कोई अटैक अटैक करता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा. लेकिन मुझे ऐसे लग जाए इसको एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है. ये मेरे से भी कुछ ज़्यादा. ये है भाई यहाँ के उठ. ये भाई लोग देखो यहाँ के मामबो. भाई भाई लोग देखिए आप यहाँ के. इनसे ना बहुत प्यार मोहब्बत से बात करनी होती है. मामबो जाम्बो ऐसे करते रहा करो. हाय हेलो करते रहा करो तब तो ये लोग खुश रहेंगे और इनके साथ हंसी मजाक करेंगे तो तब तक ठीक है. नहीं तो फिर आपका काम तमाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये मेरे गाइड ने बोला कि हाय हेलो थोड़ा सा स्माइली फेस के साथ हाय हेलो करते रहना इनसे. Okay. So you have to hold it carefully. Yeah, carefully. Oscar बोल रहा है भाई कैमरा को ना कस के पकड़ना नहीं मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे जो वीडियो बने वो सारे ले जाएंगे कैमरा समेत सब ले जाएंगे वो लोग. और यहाँ पे ये देखो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी है. हाय not all people can afford the to have the bus. Hi, Mambo. What's up? Yeah. How are you? How are you? I'm good. What's your name? Yeah, my name is Putos Daniel. Oh, nice. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Welcome to Kibera. Yeah. This place is known as Kibera Town Center, Community Center, whereby we have a borehole of about 1,000 feet, and then we provide the sanitation, water. We have computer classes. This everything is right. Yeah.
One of the biggest artists in the community. Hello, brother. How are you? How are you? I'm good. Okay. You're welcome to Kibera. Okay, thank you. Mr. Kibera 2017-2018. My name is Futwa. F-U-T-W-A-X. Subscribe to my YouTube channel. Now for me, you can just follow me. You have also YouTube channel? Yeah. One of my what is your YouTube channel? I'm an artist. I am a musician and I use music to create awareness about the environment. Okay, you are an artist. I'm a hip-hop artist, yeah. Hip-hop artist. Yeah. Wow, nice to meet you. You look like artist. Kibera, it has a population of about 2 million people. 2 million people in Kibera only? Kibera, yeah. Wow. Yeah. Population of about 2 million people, and you know, many people who come from Kibera, they are the one who are working in the industrial area. Okay. They are the one who are washing clothes for these rich people houses. Okay, you know? Okay, okay. Yeah, so in Kibera, this is like, you know, when you come from, most of the people are coming from the rural, you know, yeah. From the rural. Nice. When you come in Nairobi, you find the houses are expensive. Yeah, so they came to Kibera. Nice. Yeah, this is where okay, this is life. Okay, and affordable. You know, my audience will also follow your channel. Yeah, Larry Dwayne. Follow back, we'll share your videos and we'll continue to connect. Sure, brother. My brother. Okay, bye. अभी इन लोगों से काफी कुछ जानने को मिला. इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे नौ गांव है Kibera slum में, और यहाँ की जो population है वो है 2 million, almost 20 lakh की लगभग Kibera की population है. और यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो rural area से आते हैं. Nairobi में जो बाकी नॉर्मल लोगों के लिए हाउस वगैरह या अदर चीज़ें अफोर्डेबल नहीं होती है, तो वो यहाँ पे आके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ है जो अफोर्डेबल होती है उन लोगों के लिए. और ये देखो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है. वाह, पहले मेरी फटी पड़ी थी जब मैं सुबह सोच रहा था ना कि मैं Kibera slum को घूमने जाऊँ, लेकिन आप यहाँ के लोगों का नेचर देखिए, बस आप स्माइली फेस रखो और मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए बात करो उनसे. और ये देखो यहाँ पे रेलवे ट्रैक जा, हाय मामो, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है यहाँ से सीधा. और ये यहाँ का सिटी सेंटर है, जो Kibera slum है ना, यहाँ का सिटी सेंटर है. ये वाला पार्ट आप देख लो, ये यहाँ का सिटी सेंटर है. ओह माय गॉड, यहाँ पे फिश वगैरह, पता नहीं कितनी पुरानी फिश वगैरह ये लोग बेच रहे हैं. और यहाँ पे देखो लोगों का लाइफ स्टाइल कुछ अच्छा है. हाय मामो, यू नो इंग्लिश? This is like the shop. Okay. As you can see, he's fish, selling omena. And yeah. It's called mobamla or fulu. Yeah, this fulu. One is called fulu. You call fulu? Yeah. Okay. Fulu. भाई यहाँ पे सूखी हुई मछली होती है ना, इसको फुलू बोलते हैं ये लोग. और ये लेडीज है जो बेचती है यहाँ पे. So इंडिया, इंडिया. From India. Yes, I am from India. वहाँ पे देखो भाई वो कुछ चपाती वगैरह और वो बीन्स वगैरह यहाँ पे देख लो, बीन्स दिख रही है चपाती. If you can pay for me this lunch, it's okay. Okay, okay. Yeah, so hi, Mambo, what's your name? Fernando. यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी है ना जो इंग्लिश बोल लेते हैं. Hi. How are you, brother? We are fine. Fine. Yes, how about you? Yeah, I'm too good. What's your name? I'm Dutch. DJ Dutch. Oh, Dutch. Yo. Yes, Abdallah. Oh, Labdallah. Yeah. Oh, nice name. My name is Kailas. Yes. I'm from India. Oh, from India. That's nice. So what do you do basically? Music. Yeah, you look like musician. Yeah. hip hop music. Dancehall. Okay, all dance sort of music. I'm a DJ. I play DJ. You play DJ? Yeah. Oh, nice. Yeah. I like also music. We are heading home right now. You are heading home? Yeah. Okay. Nice to meet you. They want to do this. Yeah, give. Yeah. Yes, okay. Thank you very much. Yeah. Okay. Appreciate. Ah, yeah. ओके ये लोग ऐसे सॉप्स बना के रखते हैं और ये नाले के ऊपर से ऐसे लकड़ी का लगा के रखते हैं आने जाने के लिए. इनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अलग ही है, हटके ही है. और जब भी मुझे मिल रहा है ना वो यही बोल रहा है कि हम म्यूजिशियन और म्यूजिक वगैरह हिप हॉप वगैरह डीजे प्ले वगैरह ही करते हैं. तो ठीक है, अच्छा है. यहाँ पे देखो कोयले बेच रहे हैं. हेलो मामो. मामो, मैंने आज ये ऑस्कर को दे दिया भाई, तू देते रहना बच्चों को. हाय मांबो, इट्स कॉल्ड शारोन. शारोन मींस शारोन लाइव. शारोन लाइव नेम. ओ माय गॉड, ये बच्ची है जो डर गई भाई, डर गई मेरे से. हाय, व्हाट्स योर नेम?
भाई सलम देखो उधर ना अंदर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती हमारी, वरना अंदर बहुत अंदर तक गई है, काफ़ी अंदर तक। वो आपको घर वगैरह दिख रहे होंगे छोटे छोटे। हाय इसकी हेयर स्टाइल देखो, गजब ही है। इस छोटी बच्ची की भी गजब ही हेयर स्टाइल है। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा अंदर, वो मेरे जो गाइड है ऑस्कर, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो ये लो भाई जी, हम लोग आ गए हैं अंदर। ये दो भाई लोग हैं, इन्होंने बोला कि हम लोग आपको लेके चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ पे अंदर आना ना बहुत खतरनाक है। ये ऐसी गलियाँ हैं, इन गलियों में कौन सी गली में पड़े मिलोगे पता ही नहीं चलेगा। सही बता रहा हूँ भाई। ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ से ये पूरा स्लम एरिया है। ये जो आपको टेंटिन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्लम एरिया है। ये देखो यहाँ पे बच्चे। हाय हाय, हाउ आर यू? यू आर फाइन। व्हाट्स योर नेम? सेंट्री। ग्रेसी। ग्रेसी, नाइस नेम। हाय, ओ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए। मुझे लगता है मेरे बिस्किट अब खत्म होने वाले हैं यहाँ पे। हाय मांबो। जब आप लोग किसी को बोलते हैं ना मांबो, मांबो का मतलब होता है हेलो, और उसके रिप्लाई में लोग बोलते हैं पोआ। पोआ का मतलब क्या होता है पूछूंगा अभी, मुझे नहीं पता पोआ का मतलब क्या होता है। और ये देखो यहाँ से पूरा स्लम एरिया भाई, केबेरा का सबसे, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट स्लम है। ये आधा अधूरा ही दिख रहा है, ये पूरा स्लम नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ है यहाँ पे। अब आप लोग बताओ यहाँ पे सही में हकीकत में पहले सही कहते हैं लोग, यहाँ पे जब कुछ होता था ना, कुछ इलीगल एक्टिविटी होती थी ना, तो पुलिस की यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करती थी। अब इतनी छोटी गलियों में आने की हिम्मत कैसे करेगी। भाई साहब यार कितने तंग गलियां हैं यार, बहुत अंदर। अब तो जो सेंटर है ना, पहले हम लोग मार्केट बार बार घूम रहे थे, और अब ये देखो यहाँ पे यार कैसे कैसे स्लम है। पहली बार देख रहा हूँ मैं। जब मैं युगांडा गया था ना, तो वहाँ तो वो छोटा सा स्लम था, जो युगांडा का क्या नाम है मैं नाम भूल रहा हूँ स्लम का, वो तो बहुत छोटा स्लम था, इसके आगे कुछ भी नहीं था वो तो। You want video? Yeah. Yes, one video. Hi, what's your name? My name is Sumbuyu. Sumbuyu? Yeah. Your? Yeah, Alphonse. Alphonse, yeah. Wow, nice. My name is Kailas. Kailas. Kailas, Kailas. From yeah. India. From India. Oh, that's nice. That's nice. Rajkumar. Yeah. Huh? Rajkumar. Rajkumar, you like? Yeah. Oh, Rajkumar. Yeah. He's nice actor. Doom, my favorite movie is Doom. Doom, Doom yeah. 3, Doom 1, Doom 2. Doom yeah. machale, Doom machale, Doom. Yeah, yeah. Doom machale, Doom machale, Doom. From India, do you yeah. have seen that? Sorry? Bodyguard from India, you have seen that? Which guy? It's a movie. Which movie? It's called Bodyguard. Bodyguard, yeah. Salman Khan. Yeah, Salman Khan. Teri meri prem kahani. Yeah. Yeah. Okay. Bye. Bye, say yo. Bye. भाई साहब ये तो हिंदी मूवीज के दीवाने हैं यार, सलमान खान, राजकुमार, धूम तेरी उस भाई की फेवरेट मूवी है। नाला जा रहा है ये यहाँ से, बीच से जो पूरे स्लम का गंदा पानी है ना, वो शायद इधर से ही जाता है। ये देखो, सही बता रहा हूँ, ऐसे स्लम में पहली बार देख रहा हूँ यार। डेविड, केविन, ओ वाव वाव, हाय, व्हाट्स योर नेम? Chrissy, your? Mary. Mary. Calvi. ये सारे के सारे बच्चे आ गए यहाँ पे। देखो ये पूरा स्लम इकट्ठा होने वाला है। देखो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, भी इनको बिस्किट दे के जाऊंगा। नाउ थ्री, वन थ्री, वन थ्री। भाई हमारे बिस्किट खत्म होने वाले हैं यार। मैंने पहले दे रहा था एक बच्चे को एक, फिर मैंने किया दो बच्चों को एक, और अब कर रहा हूँ तीन बच्चों को एक, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत दूर है यार। तो अब देखो वो गाइड है ना, तीन बच्चों को एक एक देके रवाना करता जा रहा है। दिस वे, दिस वे, ओके।
ये दो भाई मिल गए वरना यहाँ पे घूम पाना ही थोड़ा सा मुश्किल था। सारे के सारे कच्चे घर हैं, कच्चे घरों पे जो टिन तान रखा है इन लोगों ने स्टील के। आप लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि आप लोग कहाँ पे हो। और यहाँ पे देखो पानी के लिए ऐसी सप्लाई करके रखते हैं लोग, यहाँ पे ऐसे पाइप होते हैं। सो ओनली दिस इज ओनली फॉर वन फैमिली और मैनी फैमिली, फॉर मैनी फैमिली। ये देखो भाई यहाँ पे लोग नहाते धोते हैं, कपड़े वगैरह सब यहीं पे धोते हैं, यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के इस पाइप पे। और वो देखो वहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं इन लोगों ने। Now you're going? How are you feeling now? I'm very very tired right now. You are very very tired. Wait now. Okay. ये भाई लोगों ने मुझे पूरे स्लम में घुमाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। I'm good brother. Yeah. What about you? Where are you from? You are eating chaat? Where are you from? I'm from India. You are from India? Yes. Yes. Kathmandu? Kathmandu is in Nepal. Kathmandu is in Nepal. In Qatar, I have very friends in Kathmandu, friends, Filipino friends, Nepal. I know you know them. Yeah. Yeah. Yes, 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 yes. Aramse, aramse. Aramse, aramse. Pole, pole. Theek hai bhai. Theek hai, bas badhiya sab majhe. Yeah. तुम तो हिंदी जानता है? इंडिया हिंदी जानता है। यू नो हिंदी? आई नो हिंदी, यस। ओह माय गॉड, वेरी नाइस 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 टू मीट यू। आई हाय हाय। ओके ओके ओके, से यू। ठीक है भाई, ठीक है भाई। भाई यहाँ पे देखो हिंदी जानते हैं लोग यार। ओके भाई, ये भाई बोल रहा है यार मेरा भी वीडियो रिकॉर्ड करो। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? योर नेम? जिना को। आई लाइक लाइक जीसस। जिना नेम ऑफ द जीसस। ओके ओके बाय, सी यू। शिका गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके भाई, ड्रिंक कर रखे भाई ने, पी रखी है। प्यास लगी है जबरदस्त, पानी का बोतल ले रहे हैं। 1 लीटर का पानी का बोतल है जो 70 शिलिंग्स का मिलता है, लगभग 50 रुपये मान लो यार। अब हम लोग बाहर आ गए, जो स्लम था ना उसको घूम फिर के बाहर आ गए। और मैं कोई दुकान में बैठा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आराम फरमा रहा हूँ। थोड़ा सा भाई थक गया, ज़बरदस्त थक गया। लेकिन इतनी तंग गलियाँ, इतने वो भाई बोर्ड, ऐसे सकड़े सकड़े रास्ते, सही में इसलिए कहा जाता है कि सबसे डेंजरस। हमारे साथ 3-4 लोग थे ना, वो 3-4 बंदे थे, इसलिए मैं घूम पाया। वरना अंदर जाना पॉसिबल नहीं है भाई यहाँ पे। ये मेरा ये गाइड है ना, यही डर रहा था अंदर जाने से। फिर इसको वहाँ के लोकल लोग मिले, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं लेके चलते हैं आप लोगों को अंदर। जब हम लोग आए थे यहाँ पे स्लम को घूमने, तब हम लोगों ने उबर किया था। उबर का 480 शिलिंग लिया था उस भाई ने। अब ना हम लोग यहाँ से मटाटू लेने वाले हैं, तो सस्ते में निपट जाएगा, क्योंकि मटाटू भाई बहुत सस्ते में पड़ेगा। और इतना कोई जल्दी है भी नहीं मेरे को होटल पहुँचने की। दिस वन, ये वाली बस है जो सिटी सेंटर जाएगी। हम लोग काफ़ी सारा पैसा बचा लेंगे इससे। लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग मटाटू से नीचे उतर गए। मटाटू का किराया था 60 शिलिंग। 60 शिलिंग होता है 40 इंडियन रुपीज़ के, जो कि बहुत चीप था। जाते टाइम हम लोगों ने 480 शिलिंग पे किए थे, जो कि बहुत महंगा था। तो अभी यहाँ से एक भुट्टा लेके जाऊँगा। भुट्टा है 40 कैनियन सीलिंग का। तो 40 कैनियन सीलिंग होते हैं लगभग 25-30 रुपए के लगभग होते हैं यार। मैं एग्जैक्ट प्राइस तो मेंशन कर दूंगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा स्लम और सबसे डेंजरस स्लम है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी नहीं किया हो अपनी श्रद्धा अनुसार करते जाना। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने शॉर्ट चैनल का लिंक भी दे रखा है। ये अपना शॉर्ट चैनल है, आप लोग वहाँ जाके शॉर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।